नमस्ते माता दी। साथियों तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं कटरा स्टेशन। ये हम लोग पीछे दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं फुवारा चौक लेने के लिए। आगे 2 किलोमीटर जाएंगे, पैसा बिल्कुल उतना देना है भाई। हम लोग अभी बारिश में रेनकोट हमें रेनकोट अच्छा था लगे यात्रा को। जय माता दी। साथियों तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं कटरा स्टेशन। अभी जाएंगे हम लोग यहाँ से फुवारा चौक, उसके बाद वहाँ से रूम लेंगे। रूम लेने के बाद कार्ड बनाएंगे। कार्ड बनाने के बाद हम लोग अपना चढ़ाई स्टार्ट करने जाएंगे। बाहर निकल कर अब जाएंगे फुवारा चौक, वहाँ से हम लोग होटल लेंगे। होटल लेने के बाद कार्ड बनाकर दर्शन स्टार्ट करेंगे। जय माता दी। पठानकोट के बाद प्रीपेड सिम कार्ड डीएक्टिवेटेड हो जाता है, केवल पोस्टपेड सिम और यहाँ की ही सिम कार्ड कम करता है, इसलिए हमें एक सिम कार्ड लेना पड़ा। सिम लेने में कितना ये चार्ज हो रहा है? सिम का 299 का रिचार्ज हो रहा है। 299 का रिचार्ज 100 रुपया। जय माता दी। तो हम लोग होटल में चेक इन कर फ्रेश व्रेश होकर अब रेडी हो गए हैं जर्नी स्टार्ट करने के लिए। सानिया होटल सरस्वती चौक के पास है ये। हम अपने 1000 रुपये में मिला है। 1000 रुपये में देखिए ये एसी है, यहाँ पे एसी अनलिमिटेड वाईफाई और टीवी है। टीवी कौन देखने आया है। बाथरूम यहाँ का अच्छा खासा है, रूम भी अच्छा ही है। पंखा लाइट सब चल रहा है, एसी भी चल रहा है, काम कर रहा है। जय माता दी दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं फुवारा चौक, यहाँ से आरएफ कार्ड बनाना है, बना लिया फुवारा चौक। ठंडा भी ले लिया। दिनेश भाई कहाँ हो? यात्री कार्ड बना लीजिए, उसके बाद अपना दर्शन करिए। वैष्णो देवी यात्रा के लिए यात्री कार्ड अनिवार्य है, जो कि कटरा चौक के पास यात्रा पंजीकरण कक्ष से आधार कार्ड दिखाकर बनाना पड़ता है। कार्ड लेने के लिए लाइन लग रहा है। जय माता दी दोस्तों अब हम लोगों का यात्रा अब शुरू हो रहा है। जय माता दी दोस्तों प्यार से बोलो। जय माता दी। सारे बोलो जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। पैदल पैदल जाएगा। जय माता दी दोस्तों। माता दी बारिश गिरा दी है। बारिश हो रहा है खूब जोर। अभी हम लोग यात्रा को जारी कर रहा है रेनकोट पहन के। दिनेश भाई तो पूरा रेनकोट पहन के एकदम चल रहा है। दिनेश पीछे हो, पीछे इधर आ, इधर आ, पीछे आ। तब तो हम लोग अभी बारिश में रेनकोट हमें रेनकोट छाता लगे
यात्रा को स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। थोड़ी सी स्टार्ट यात्रा शुरू करने के बाद ही बारिश पूरा एकदम जोर से होने लगा है।